Welcome all of you, my dear students. Today we will discuss types of statement patterns and operation on statement patterns with the help of some examples. Okay, चलो कुछ examples से हम discuss करते हैं statement pattern की types और statement pattern का truth table and उसका ही use करके logical equivalence के ऊपर के sums कैसे solve करते हैं ना. चलो क्वेश्चन नंबर वन कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूं पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी. हाँ देखो अगर अभी मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसमें कितने स्टेटमेंट्स है देखूंगा. तो उसमें दो स्टेटमेंट्स है ना, कितने स्टेटमेंट्स है दो. तो चलो मेरा ट्रूथ टेबल स्टार्ट हो गया है, ट्रूथ टेबल ठीक है. तो दो स्टेटमेंट्स कौन से हैं, पी और क्यू है. ये दो स्टेटमेंट हमारे दो कॉलम्स हो गए. उसके बाद ना इसमें जो टर्म्स दिखते हैं सिंपल सिंपल ब्रैकेट दिखते हैं उनको पहले बताते जाना है. नेगेशन की तरफ नहीं नजर आ रहा है हमें, पहले इसको बनाता हूँ पी इम्प्लीकेशन क्यू ठीक है. बाद में ना इसका Q के साथ में एंडिंग करेंगे, P इम्प्लीकेशन Q का एंडिंग करेंगे Q के साथ में ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिरी का ये जो पूरा है यहाँ पे मिल जाएगा मुझे P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इसकी इसका P के साथ में हम क्या करेंगे इम्प्लीकेशन करेंगे. ये हो गया मेरा एक दो तीन चार पांच कॉलम्स हो गए ठीक है. देखो ये फाइव कॉलम्स हो गए. नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल्स प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट. नंबर ऑफ स्टेटमेंट पी और क्यू दो है, सिंबल तीन है ना, सिंबल कितने हैं तीन. तो एक एक सेम है लेकिन एक क्यू के लिए उसकी एक पी के लिए उसकी है ना, तीन है. इसका मतलब हमारे पांच स्टेटमेंट पांच कॉलम्स हो गए. चलो इसकी पॉसिबिलिटीज पी एंड क्यू की पॉसिबिलिटीज, एक तो दोनों ट्रू होंगे, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा और दोनों फॉल्स होंगे. ये मेरे पॉसिबिलिटीज होते हैं. इफ टू स्टेटमेंट्स आर देयर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू इज टू यानी फोर. ध्यान में रखेंगे टीटीएफ और टीएफटीएफ ऐसे ध्यान में रखेंगे. अभी इम्प्लीकेशन करना है मुझे, टी इम्प्लीकेशन टी क्या आएगा टी आएगा है ना, टी इम्प्लीकेशन एफ क्या आता है एफ ही होता है क्योंकि इम्प्लीकेशन सिर्फ एक ही बार एफ होता है और इम्प्लीकेशन रिमेनिंग अदर देन दिस टी ही होता है. अदर देन दिस टी होता है, देखो यार इधर टी है इधर टी है इधर टी, सिर्फ आगे एफ है ना, पहले टी बाद में एफ है तभी एक बार एफ आता है, अदरवाइज टू ही आता है ठीक है. अब हम क्या करेंगे क्यू के साथ में एंडिंग करेंगे, इसका क्यू के साथ में एंडिंग टी एंड टी टी एंडिंग पता होता है हमें, एंडिंग में कैसे पता है एक बार भी एफ आया तो आंसर एफ आना चाहिए, दोनों ट्रू तो ट्रू, एफ आया एफ एंडिंग में एफ, टी टी आया टी होगा और टी एफ आया फिर से क्या होगा इधर एफ हो गया, ए हो गया मेरा एंडिंग. अभी इसका ना मुझे P के साथ में इम्प्लीकेशन करना है तो मैं ये इसकी एक उंगली इसके ऊपर और P के ऊपर दूसरी उंगली करूंगा और इस साइड में चला जाऊंगा ना, T इम्प्लाइज T क्या होगा T होगा ठीक है. बाद में F इम्प्लाइज T क्या होगा T होगा, बाद में T इम्प्लाइज F क्या होगा F ठीक है, और T इम्प्लाइज एक मिनट हाँ F इम्प्लाइज F क्या होगा T. एक बार चेक करते हैं P implies Q and Q ये जो है इसका P के साथ में इम्प्लीकेशन करना है. तो देखिए T implies T T, F implies T T हो गया, T implies F F हो गया और F implies F क्या हो गया T ठीक है. एक बार फिर से समझाता हूँ देखते हैं, ये P का कॉलम है Q का कॉलम है, मुझे इम्प्लीकेशन बनाना है तो मैंने इम्प्लीकेशन बनाया, ये इम्प्लीकेशन के लिए ट्रू इम्प्लाइज टू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज एफ एफ, एफ इम्प्लाइज टू ट्रू ठीक है, एफ इम्प्लाइज एफ ट्रू हो गया. बाद में इसका Q के साथ में इसका क्यू के साथ में एंडिंग करना है, देखो एंडिंग हुआ है ना एंडिंग है ना ओके. इसके बाद में इसका पी के साथ में क्या करना है इम्प्लीकेशन, टी इम्प्लाइज पी टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ और एफ इम्प्लाइज क्या हो गया टी हो गया ठीक है. ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. It is P and Q in double implication Q or R. देखो बेटा इसमें ना कितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं
हाँ, तो ट्रूथ टेबल में हम क्या करेंगे, पहले P, Q और R लिखेंगे, बाद में मैं इसको बनाऊंगा P एंड Q, बाद में इसको बनाऊंगा Q और R, S, ये दोनों बन गए, मैं इसको कंबाइन करता हूँ अभी दोनों को, P एंड Q, डबल इंटीग्रेशन Q और R, चलो ठीक है, इतना समझा। हाँ अब क्या करेंगे, इसका एक टेबल तो बनाना ही पड़ेगा ऐसे, इफ वी हैव थ्री एटॉमिक स्टेटमेंट, देखो बेटा अगर मेरे पास तीन एटॉमिक स्टेटमेंट होते हैं ना ऐसे तीन सिंपल, तो इसकी टोटली आठ पॉसिबिलिटीज होते हैं, देखो ट्रू 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 फॉल्स 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 एंड फॉल्स, ठीक है, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, आठ पॉसिबिलिटीज होते हैं। देखो ये पॉसिबिलिटीज एक्चुअली ऐसे हैं, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, ठीक है, हाँ, और इधर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है बेटा, एक तो ऑल ट्रू होंगे, एक तो ऑल एफ होंगे, दोनों पहले ट्रू बाद में एफ, ये पॉसिबिलिटी ऐसे ध्यान में रखो, चार बार टी चार बार एफ, दो बार टी दो बार एफ, दो बार टी दो बार एफ, टफ 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 टफ, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। अब एंडिंग करते हैं, टी एन टी 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 एन टी 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 एंड एफ एफ टी एंड एफ 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 एंड टी एफ एफ एंड टी एफ एफ एंड एफ 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 एंड एफ एफ, ठीक है बेटा, एंडिंग हुआ। अब हम क्यू और आर का ऑरिंग करते हैं, क्यू और आर का क्या करते हैं, ऑरिंग करते हैं, टी और टी ऑरिंग नहीं क्या होता है पता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है। अब इन दोनों का डबल इंटीग्रेशन, टी डबल ई प्लस टी टी, डबल इंटीग्रेशन में कैसा होता है पता है, दोनों सेम है ना तो ट्रू आता है, डिफरेंट है तो फॉल्स आता है, ट्रू 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 होगा, ये डिफरेंट है फॉल्स, ये डिफरेंट है या सेम है, सेम है ट्रू, देखो ये डिफरेंट है फॉल्स, ये डिफरेंट है फॉल्स, ये डिफरेंट है फॉल्स, ये सेम है ट्रू, देखो ये आंसर होता है हमारा। तो हो सकता है इसके बाद ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, मैं ऐसा आंसर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, आंसर ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है, ऐसा मैं आंसर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या है, इसमें मैं लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है बता रहा हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन सुनो क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, है ना, उसमें ना पहला ले रहा हूं मैं P डबल इंडिकेशन Q लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है बेटा, हाँ, तो इसको मैं चेक करूंगा, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट जो तीन लाइन है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंट का नोटेशन है, वी कैन रीड इट P डबल इंडिकेशन लॉजिकल इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है, हमें चेक करना होता है इन दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल, यानी दोनों का मीनिंग सेम है, यानी दोनों का रिजल्ट सेम है क्या, इन दोनों के टेबल के लास्ट कॉलम में सेम आंसर आ रहे क्या। एक तो हम ये सब दो तरीके से करते हैं ना, ये दो टेबल से करेंगे और दूसरा तरीका कौन सा, एक ही टेबल में करेंगे, मैं आपको एक ही टेबल का बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे पी लूंगा बाद में क्यू, पहले इसको मैं बनाता हूँ पी डबल इंडिकेशन क्यू को, बाद में मैं बनाऊंगा इसको पी और क्यू को, बाद में बनाऊंगा मैं निगेशन ऑफ पी पी एंड क्यू, सॉरी पहले पी एंड क्यू का बनाना पड़ेगा ना, पी एंड क्यू बाद में निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है बेटा। चलो अभी मेरे पास क्या क्या है, ए और ए, एक मैं इनको कॉलम नंबर दे रहा हूँ, ए दो तीन तीन, ठीक है, फोर फाइव सिक्स, ठीक है, और ये सिक्स नंबर का कॉलम और ये चार नंबर का कॉलम, मैं इनका क्या करूंगा एंडिंग करूंगा, ठीक है, फोर एंड सिक्स का क्या करूंगा एंडिंग करूंगा, फोर एंड सिक्स का एंडिंग किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है, ये हो गया मेरा सेवन, मैं सेवन का क्या करूंगा निगेशन करूंगा एट में, एट में सेवन का क्या करूंगा निगेशन करूंगा, सेवन कॉलम का निगेशन, ठीक है। चलो ये इसके चार चार लाइन्स के हैं ये, क्योंकि वी हैव ओनली टू स्टेटमेंट्स सो दैट ओनली फोर लाइन्स टेबल, यहाँ पे कॉलम नंबर देना जरूरी है, ये कॉलम नंबर ही हमारा रेफरेंस नंबर होता है जिससे हम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस फाइनली बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो पॉसिबिलिटीज लिखते पहले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है बेटा, ये हमारे पूरे पॉसिबिलिटीज हो गए।
डबल इंप्लीकेशन क्या आता है, दोनों सेम आए तो ट्रू आता है ना, और दोनों फॉल्स आए तो ट्रू आता है, दोनों डिफरेंट है ना तब फॉल्स आता है, ठीक है, ये डबल इंप्लीकेशन का रूल है। ऑरिंग में कैसा होता है, ऑरिंग में ना एक ही बार फॉल्स आता है, एक भी टी आया ना आंसर ट्रू बताओ देखो है ना, हाँ ए फॉल्स हो गया। अभी एंडिंग है, एंडिंग में तो एक ही बार ट्रू होता है, एंडिंग में एक ही बार ट्रू होता है, हाँ बाद में इधर क्या हो रहा है फॉल्स है ना, ये फॉल्स, हाँ इधर भी क्या होगा फॉल्स होगा। अभी ना मुझे सिक्स नंबर कॉलम है ना उसमें फाइव का निगेशन लेना है, इट बिकम्स एफ ट्रू ट्रू एंड एक मिनट निगेशन लेना ना, देखो बेटा ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ये होगा मेरा एंडिंग का निगेशन। अभी सिक्स कॉलम मेरे पास है और फोर्थ कॉलम है, दोनों का फिर से एंडिंग करना है मुझे, दोनों का फिर से एंडिंग करना है, टी एंड एफ, एफ आता है, टी एंड टी, टी आता है, टी एंड टी, टी आता है, और एफ एंड टी क्या आता है, एफ आता है, देखो सात नंबर कॉलम दिख रहा है वो, हाँ अभी एट नंबर कॉलम मुझे सात का निगेशन करना है, निगेशन देखिए निगेशन आते ब्रैकेट ना, हाँ तो ये आएगा ट्रू, ठीक लिखना होता है ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका निगेशन, इसका निगेशन ट्रू। अब देखो बेटा हमारा कॉलम नंबर थ्री है ना, थ्री ये मेरा एलएचएस कॉलम है ना, थ्री है ना एलएचएस कॉलम है, और ये मेरा आरएचएस कॉलम है ना, ठीक है, दोनों सेम दिख रहा है, सो आई कैन राइट हियर कॉलम नंबर फोर सॉरी थ्री एंड एट आर एग्जैक्टली सेम और आइडेंटिकल, देयरफॉर लिखना है पी डबल इंप्लीकेशन क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, ये हो गया मेरा लॉजिकली इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब जिनके आंसर्स जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सेम आते हैं, एग्जैक्टली सेम प्लेस पर सेम, ट्रू की जगह पे ट्रू, फॉल्स की जगह पे फॉल्स, तो ये प्रूव हो गया टेबल से। ये इसका प्रूफ हम विदाउट टेबल भी कर सकते हैं, यू नो विल सी इन द नेक्स्ट मतलब लास्ट एग्जरसाइज में हम देखेंगे इसका विदाउट टेबल कैसे प्रूव करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज होनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का ही समझना है, देखिए दो कॉलम्स का यानी दो एटॉमिक स्टेटमेंट का मैंने बताया, अगर तीन एटॉमिक स्टेटमेंट रहते तो सिर्फ आपका एक बढ़ेगा, लेकिन जो मेथड जो कर रहे हैं हम लोग ये तो सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हम यहाँ पे ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एंड देन आफ्टर आई विल सॉल्व वन एग्जांपल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न के ऊपर, जैसे मैंने बोला आपको ऑपरेशनल स्टेटमेंट पैटर्न है इक्विवेलेंस अभी पिछला साल। अभी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न कितने होते हैं, तीन होते हैं, हाँ तीन होते हैं टाइप्स स्टेटमेंट पैटर्न के टाइप, एक होता है टॉटोलॉजी, एक होता है टॉटोलॉजी, दूसरा होता है कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन, और तीसरा होता है कॉन्टीजेंसी है ना, तीसरा क्या होता है कॉन्टीजेंसी। देखिए टॉटोलॉजी को बोलते हैं अगर सब आंसर मेरे ट्रू 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 आ रहे हैं, ऐसे सब आंसर मुझे ट्रू 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 आ रहे हैं ना, ये देखिए अगर चार बार ट्रू नहीं तो ओनली फोर, इन जैसे क्वेश्चन के हिसाब से ऑल ट्रू आर देयर देन टॉटोलॉजी। अगर फाइनली कॉलम में अगर सब मुझे एफ ही नजर आ रहे हैं वहां पे चार बार रहे आठ बार रहे ना, अगर ऑल आर ट्रू ट्रूथ देन टॉटोलॉजी, ऑल एफ्स देन कॉन्ट्रेडिक्शन एंड कुछ ट्रू किधर भी कैसे भी, अभी कुछ ट्रू कुछ फॉल्स है ना, कैसे भी सब ट्रू भी नहीं है सब फॉल्स भी नहीं, तब उसको कॉन्टीजेंसी बोलना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है पिछले वीडियो में हमने देखा था, हाँ वीडियो नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट में मैथमेटिकल लॉजिक के। तो चलो क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसमें पहला सम जो है ना वो है आपको चेक करवाया एक कौन सा टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न है, डबल इंप्लीकेशन निगेशन पी और क्यू, लेट अस सी प्लीज वी आर चेकिंग now here to check the type of the statement pattern we use truth table, so let's start truth table, यहाँ पे हम बना रहे हैं हम लोग, ये p ए q, पहले negation का लिखना पड़ता है negation p, क्योंकि individual negation है ना, हाँ बाद में मैं बनाऊंगा p implication q को, बाद में मैं इन दोनों का करूंगा negation p और q का, ठीक है। अब फाइनली मेरे पास a भी है और a भी है, मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, सो दैट P implies Q, double implication, negation P और Q हो गए, ठीक है बेटा। चलो अब इसका हम टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, उससे हमें इस स्टेटमेंट पैटर्न का टाइप समझ में आ जाएगा, ओके। आइए
true, true, false, false, true, false, true, false, ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट, ये स्टेप्स हो गए और ये आउटपुट हो जाएगा। चलो P का निगेशन करते हैं, पहले P का निगेशन आ रहा है ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अभी P और Q का इम्प्लीकेशन करते हैं, P इम्प्लीकेशन P ट्रू आता है, P इम्प्लीकेशन F, एक ही बार F आता है, इधर ट्रू होगा इधर भी ट्रू होगा, ठीक है। अब आगे हम निगेशन P और Q का और इन करेंगे, निगेशन P है और Q का और इन, F और T ट्रू आता है, F और F क्या आता है, वेरी गुड F आता है, ट्रू और ट्रू क्या आता है, क्या बात है, ट्रू आता है, और ट्रू और F क्या आता है, यस ट्रू आता है, और में तो एक भी ट्रू का भी होता है ना। हाँ चलो आप इन दोनों का डबल इंडिक्शन करते हैं, डबल इंडिक्शन कैसा होता है, अगर दोनों सेम आए तो ट्रू होता, तो दोनों सेम आए ट्रू, दोनों सेम आए ट्रू, दोनों सेम आए ट्रू, ये ट्रू। तो आंसर किस कैसे लिखना है, ऑल द एंट्रीज, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल आर टीज, आर टीज, देयरफॉर द स्टेटमेंट बेटर, द गिवन स्टेटमेंट बेटर इज टॉटोलॉजी, इज टॉटोलॉजी, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हम यहां पे जुड़ रहे हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू, ठीक है, और इम्प्लीकेशन पी आर है, प्लीज वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न गिवन हियर, लेट अस सी प्लीज स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल स्टार्ट हुआ हमारा, ट्रूथ टेबल, ठीक है। हाँ ए पी क्यू है ना, निगेशन किधर नहीं है, सो वी मेक फर्स्ट पी इम्प्लीकेशन क्यू, आफ्टर मेकिंग इट वी आर कंबाइनिंग दिस मेड कॉलम विद दिस क्यू, सो दैट पी प्लस क्यू एंड क्यू हो गया है। अब इसके बाद इसका पी के साथ में कनेक्शन लगाते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू, उसको स्क्वायर ब्रैकेट देके पी के साथ में इम्प्लीकेशन का कनेक्शन लगाते हैं। तो चलो इसका टेबल हम बना रहे हैं, ओके बेटा, चलो आगे देखो, इतना सिंपल है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो अभिलन हो गया। हाँ पी इम्प्लीकेशन क्यू बोलो, हाँ इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों अगर सेम आ रहे ना तो ट्रू आता है, दोनों डिफरेंट आए तो फॉल्स आता है, ठीक है। अभी इसका क्यू के साथ में एंड करेंगे, टी एन टी ट्री होता है, एफ एंड एफ एफ होता है, एफ एंड टी एफ है, टी एंड एफ एफ है, ये हो गया मेरा थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम इस। अभी फाइनली मैं इसका पी के साथ में क्या करूंगा, इम्प्लीकेशन करूंगा पी के साथ में, टी इम्प्लाइज पी, टी इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी। एक बार इसको और चेक करते हैं, देखो सही आ रहा है हमारा, पी इम्प्लीकेशन क्यू है, बाद में इसका एंडिंग क्यू के साथ में है और पी के साथ में इम्प्लीकेशन आ रहा है, चेको प्लीज, ट्रू ट्रू, ये तो हो गया, समझ में आया, पी इम्प्लाइज क्यू, टी इम्प्लाइज टी आता है, ए एफ आता है, ए एफ इम्प्लाइज टी है ना, एक मिनट गलती हो गई, एक मिनट, हाँ टी इम्प्लाइज टी टी आता है, टी इम्प्लाइज एफ एफ आता है, एफ इम्प्लाइज टी टी आता है, एफ इम्प्लाइज एफ टी, इम्प्लीकेशन है ना ये, तो इसमें इम्प्लीकेशन में कैसा होता है, एक ही बार एफ आना चाहिए, है ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हाँ ध्यान में रखना, इम्प्लीकेशन में एक ही बार एफ आता है, तीन बार ट्रू आता है, ठीक है। अब इसका एंडिंग करेंगे हम, क्योंकि सब में चेंज होगा, इसका एंडिंग करेंगे हम क्यू के साथ में, टी एंड टी टी, एफ एंड एफ क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, टी एंड टी क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है, हाँ टी एंड एफ क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो ये है ना, इसका पी के साथ में करेक्शन लगाते हैं, इसका पी के साथ में, ये थोड़ा कट कर पाऊंगा यहां से, ओके, इसका पी के साथ में करेक्शन लगाते हैं, टी इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ आया, और एफ इम्प्लाइज एफ टी आर। देखो बेटा इसमें सब ट्रू भी नहीं आए, सब फॉल्स भी नहीं आए, लेकिन गलती करेंगे तो कुछ दूसरा आंसर आ सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चेक करना पड़ता है, तो नहीं होना चाहिए इससे, तो एक दो बार तीन बार ट्रू आया, एक बार फॉल्स आया, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंट्रीज एंट्रीज
in the last column, in the last column are neither all trues nor all errors. Therefore, the statement pattern, is contingency. ठीक है, ये contingency आया, समझ रहे हैं आपको? चलो और एक सवाल देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे मैं थर्ड सम ले रहा हूं आपके लिए. हाँ, एक क्वेश्चन है, पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू और आर. ठीक है, डबल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू इंप्लीकेशन आर. देखो अभी ये हम पी क्यू आर के अंदर का ले रहे हैं, पी क्यू आर के अंदर का ले रहे हैं, तो तीन कॉलम का लेते हैं. तो चेक करो प्लीज. हाँ, ये मेरा ट्रूथ टेबल स्टार्ट हो गया. ट्रूथ टेबल, हाँ, ये पी, ठीक है, बाद में क्यू, पी बाद में क्यू. पहले एक 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 पार्ट बनाते हैं. पहले नेगेशन क्यू चाहिए मुझे, इंडिविजुअल नेगेशन क्यू चाहिए. तो नेगेशन क्यू और आर चाहिए, नेगेशन क्यू और आर मिला. बाद में पी के साथ में इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू और आर. ठीक है, हाँ, अभी ये बनाना है मुझे. सो दैट आई विल मेक फर्स्ट क्यू इम्प्लीकेशन आर, देन आई विल मेक पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, देन आई विल मेक इट्स नेगेशन. तो जगह नहीं है तो हम नंबरिंग से काम लेते हैं, यहाँ पे चलाते हैं. दो तीन चार पांच छ सात, मैं पहले सात का नेगेशन करूंगा ना, हो गया सात का नेगेशन. आठ एट कॉलम में आ रहा है वो सात का नेगेशन. अभी हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर सात का नेगेशन है, इसका नेगेशन है ना, इसका नेगेशन है ना, वो हमारा एट कॉलम है, एट कॉलम. और ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये फिफ्थ कॉलम. तो फिफ्थ कॉलम और एट कॉलम का क्या करेंगे हम यहाँ पे, डबल इम्प्लीकेशन करेंगे. ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट लिखो, बाद में हमारे मिस्टेक हो सकता है. चलो अब आगे लिख रहे हैं. सो वी आर प्रिपेयरिंग द टेबल. इसके आठ रोज होते हैं. एक मिनट, हमने आर नहीं लिखा क्या? एक मिनट, आर हमने भूल गया आर लिखना. यहाँ पे एडजस्ट करेंगे आपको. चलो इधर एडजस्ट करते हैं आपको. आर तीन नंबर में आएगा, अभी नंबरिंग चेंज हुआ. और यहाँ पे मैं निगेशन क्यू कर रहा हूँ. ठीक है, निगेशन क्यू, ये चार नंबर, ये पांच नंबर, एक से बड़े नंबर से, ये सात, ये आठ, ये नौ, और ये आठ होगा सात का, ये पांच का छह होगा, और ये हमारा आठ का नौ होगा, और आखिरी कॉलम क्या होगा मेरा, दसवां, टेंथ कॉलम है ना. हाँ चलो, टेन कॉलम हो रहा है यहाँ पे. हाँ ओके, चलो अभी लेट अस सी प्लीज. ट्रू 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 ट्रू, एफ 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 एफ, चार बार ट्री, चार बार एफ आया. अब हम क्या करेंगे, क्यू, यानी क्यू में कैसे होता है, डबल टी डबल एफ होता है ना, ये डबल टी डबल एफ, और इसमें टी एफ टफ टफ होता है, टफ टफ है ना. चार बार टी, चार बार एफ, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ, कैसा ध्यान मेरे को. हाँ, निगेशन क्यू करो. चलो निगेशन क्यू ये कर रहा है, निगेशन क्यू यानी क्यू का फो फो टो टो, बाद में फो फो टो टो. चेक करो, मैंने क्यू का पूरा उल्टा लिखा है ना, क्यू का पूरा उल्टा लिखा है क्या, अभी ये जो चार नंबर का कॉलम है, आर के साथ में ऑरिंग करना है. ऑरिंग यानी एक भी ट्रू आया तो ट्रू होता है ना, ए ट्रू आया, ए फॉल्स, ए ट्रू, ए ट्रू, ए ट्रू आया, ए फॉल्स आया, ए ट्रू आया, ए फॉल्स, सॉरी ट्रू आया, ये मेरा फिफ्थ कॉलम बन गया. अभी जो फिफ्थ कॉलम है, सिक्स कॉलम बनाने के लिए काम आएगा. तो पी का और इसका कनेक्शन इम्प्लीकेशन से लगाना है मुझे, ऐसा चलेगा ये बाद में आया. टी प्लस टी टी, टी प्लस एफ एफ, टी प्लस टी टी, टी प्लस टी टी,
एफ इम्प्लाइज टी टी एफ इम्प्लाइज ये दोनों इक्वल आए ट्रू आता है एफ इम्प्लाइज टी ट्रू आता है एफ इम्प्लाइज टी ट्रू आता है ठीक है बेटा ये मेरा सिक्स कॉलम हो गया जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेन कॉलम के समय पर अभी सेवन में क्यू इम्प्लाइज आर करना है टी इम्प्लाइज टी 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 इम्प्लाइज एफ 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 इम्प्लाइज टी टी एफ इम्प्लाइज एफ टी टी इम्प्लाइज टी 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 इम्प्लाइज एफ 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 इम्प्लाइज टी टी और एफ इम्प्लाइज एफ एफ ट्रू आया ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे हम लोग ये जो सेवेंथ कॉलम यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये सेवेंथ कॉलम और पी का कनेक्शन इम्प्लीकेशन है ये पी और क्यू इम्प्लाइज है इनका इम्प्लीकेशन टी इम्प्लाइज टी टी चेक करो टी इम्प्लाइज एफ एफ है ना हाँ टी इम्प्लाइज टी 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 इम्प्लाइज टी टी एफ इम्प्लाइज टी टी आगे बढ़ना ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए एफ इम्प्लाइज एफ टी एफ इम्प्लाइज टी टी और एफ इम्प्लाइज टी टी ये देखो बेटा हमारा एट कॉलम तैयार हो गया अभी एट कॉलम का नेगेशन बनाना है यहाँ पे हाँ ये आया फॉल्स ये आया ट्रू फॉल्स 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 करेक्ट लिखो भाई ये फॉल्स ए फॉल्स ए फॉल्स ठीक है हाँ ये हो गया मेरा कॉलम नंबर एट नाइन तैयार जिसके अंदर एट का निगेशन किया हुआ है। अब देखो मैं कॉलम नंबर सिक्स और नाइन का डबल इंडिकेशन लूंगा डबल इंडिकेशन आपको पता है डबल इंडिकेशन में डिफरेंट है तो फॉल्स आता है ट्रू फॉल्स फॉल्स एफ टी एफ टी एफ एफ टी एफ एफ आया 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 वाओ देखो ये तीसरे क्वेश्चन में हमें सब एफ दिख रहे हैं आए थे हमने ऐसे देख रहे सब एफ दिख रहे हैं सो दैट क्या लिखेंगे हम ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम यहाँ पे लिखना है इन द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल आर एफ्स देयरफॉर द स्टेटमेंट पैटर्न The statement pattern is contradiction. हाँ देखो बेटा हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है क्या क्या देखा है स्टेटमेंट पैटर्न तो हमने पहले मीनिंग देखा था स्टेटमेंट पैटर्न मतलब ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन होता है PQR हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स के इसको हम स्टेटमेंट लेटर बोलते हैं सिंबल के साथ में इनका कॉम्बिनेशन जब हो रहा है उनका एक बड़ा स्टेटमेंट बन रहा है फॉर्म वेल फॉर्म फॉर्मूला बोलते हैं प्रपोजिशन बोलते हैं आए ध्यान में और स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं तो स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल जो होता है ना इसका मतलब समझ लो ट्रूथ टेबल मतलब उसके ऑल पॉसिबिलिटीज ट्रूथनेस के जो हमारे आखिरी कॉलम में मिलते हैं ना वो ऑल पॉसिबिलिटीज अगर मेरे पास दो ही स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी चार आएंगे तीन स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटीज आठ आ जाएंगे भाई देखो इधर ही देखिए ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसकी इतने पॉसिबिलिटी यानी ऑल टाइम्स फॉल्स कुछ भी करो फॉल्स ही आने वाला है ध्यान में तो हमने देखा क्या ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है उसका ट्रिक क्या है पोस्टमार्टम करके बनाते जाने का ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हमने लॉजिकल इक्वेलेंस का चेकिंग किया ट्रूथ टेबल से कॉलम नंबर दिस एंड दिस सेम है ना हाँ ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बोर्ड एग्जाम में आ सकता है अभी थर्ड क्वेश्चन हम ये तो बहुत इजी है इम्पोर्टेंट है ये तो एमसीक्यू के एग्जाम में भी आ सकता है एंट्रेंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन टोटोलॉजी कॉन्ट्रेडिक्शन वाला हाँ तो ये भी हमने इसके तीन क्वेश्चन देखे ना टोटोलॉजी का पहला देखा बाद में कॉन्टिजेंसी का देखा बाद में कॉन्ट्रेडिक्शन का देखा ये हो गया हमारे आज के वीडियो की जो भी मैंने सोच के हमें बनाया था इतने क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं आई थिंक दैट वीडियो देखो ध्यान देंगे आपके ए सम्स पक्के हो जाएंगे हमने और आपको इसके ऊपर के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं ठीक है तो वेट करो अगले वीडियो तक तब तक के लिए आपके बुक से इसके ऊपर के सम सॉल्व करना थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर मान लीजिएगा आपने किया है सब्सक्राइब तो आपको फ्रेंड्स को क्या करो फॉरवर्ड करो और उनको भी बताओ सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच बाय।